नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सबके स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे होंगे। मैं हूँ दुर्गेश डीके, आपका फ्रेंड। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों आज हम बात करेंगे वामपंथी आंदोलन क्या है, भारत में वामपंथी आंदोलन के उदय के क्या कारण थे और देश में कैसे हालात बने कि वामपंथी आंदोलन की शुरुआत होती है। अगर देखा जाए वामपंथी मुख्य रूप से फ्रांस की क्रांति के पश्चात ही इस शब्द का प्रचलन हुआ था। राजा के समर्थकों को दक्षिणपंथी कहा गया और जो राजा का विरोध किया करते थे उन्हें वामपंथी कहा गया। जो राजा का सम्मान किया करते थे, उसका समर्थन किया करते थे उन्हें दक्षिणपंथी कहा गया और जो राजा का विरोध किया करते थे उन्हें वामपंथी कहा गया। समाजवाद और साम्यवाद के उत्थान के पश्चात इस शब्द का प्रचलन काफी तेजी से फैलने लगा था। अगर देखा जाए भारत में वामपंथी आंदोलन की शुरुआत कैसे होती है, तो भारत में अगर देखा जाए तो प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात देश की आर्थिक स्थिति एकदम खराब हो चुकी थी। जो भारत की आर्थिक स्थिति थी वह एकदम खराब हो चुकी थी। जो व्यापारी लोग थे उनकी बेईमानी कारण देश में अकाल की स्थिति बन गई थी। अगर देखा जाए तो व्यापारियों का एक पहला कारण क्या था, व्यापारियों की बेईमानी। फिर जो अंग्रेज लोग भारत में अत्याचार किया करते थे, शोषण किया करते थे, तो एक ये भी एक कारण था। तो अंग्रेजों की जो शोषण की नीति थी ये भी वामपंथी आंदोलन का कारण बना। और मुख्य रूप से अगर देखा जाए कार्ल मार्क्स की नीति, जो मार्क्सवादी नीति थी, इससे देश में एक नया आयाम मिला। अगर देखा जाए तो कार्ल मार्क्स की नीति पूरे विश्व में गूंजती थी। जो कार्ल मार्क्स के विचार काफी फेमस हो चुका था और कार्ल मार्क्स का एक ऐसा एक देखा जाए एक कहर सा आया और उसके विचार पूरे देश में फैल गया था कार्ल मार्क्स का। तो एक कारण कार्ल मार्क्स के विचार को भी माना जाता है भारत में वामपंथी आंदोलन के उदय में। और दूसरा कारण अगर हम बात करें दोस्तों, तो जो देश में अतिवादी और एक भाग गांधी जी की छीण और तरल सुधारवाद से लोग बहुत असंतुष्ट थे। उनके अहिंसावादी नीति के चलते लोग बाग उनसे परेशान हो गए थे। तो लोग जो वामपंथी थे वो परेशान हो गए थे गांधी जी की विचारधारा से। गांधी जी की विचारधारा आप सब जानते हैं, हम सब कुछ सम्मान करते हैं। गांधी जी की विचारधारा अहिंसावादी थी। गांधी जी के विचार एकदम शुद्ध और सरल थे और देश की आर्थिक स्थिति भी उस समय काफी खराब हो गई थी और गांधी जी के विचार से लोग बाग समझते थे कि भारत को इतनी जल्दी आजादी नहीं मिलेगी। तो ये लोग क्या कर रहे थे, वो लोग उग्र की नीति अपनाए वामपंथी लोग। तो देश में देश स्वतंत्रता में उनका योगदान काफी इंपॉर्टेंट माना जाता है, सबका रोल माना जाता है। महात्मा गांधी जी का योग तो अतुलनीय है। अगर हम बात करें तो वामपंथी अगर मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो अंग्रेजों की आर्थिक स्थिति भारत एकदम खराब कर दिए थे। भारत का बहुत सारा धन अंग्रेज अपने देश ले गए थे। अगर देखा जाए दोस्तों, अगर हम बात करें जो तीन षड्यंत्र होते हैं, है ना, पहला आपका पेशावर षड्यंत्र मुकदमा 1922 और 23 में होता है, फिर आप कानपुर षड्यंत्र मुकदमा 1924 में होता है और मेरठ षड्यंत्र केस मुकदमा 1929 और 33 में होता है। अगर दोस्तों ये सब चीजें इतिहास में घटित होती है वामपंथी आंदोलन, अगर हम बात करें, आप लोग इसे समझ गए होंगे वामपंथी आंदोलन का उदय कैसे होता है। तो आप लोग, मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी, ना भी आई होगी तो आप लोग फ्रेंड कर लीजिएगा। धन्यवाद, टेक केयर।